सो गाइस, आज के वीडियो में मैं ये क्यों बजा रहा हूँ आप सबको मालूम चल गया होगा, क्योंकि आज हम इस हारमोनियम के अंदर का राज दिखाने वाले हैं, वो भी आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि आपको दिया ही किसने है कि ये हारमोनियम खोल इसको, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो में हम इसको खोलने वाले हैं, पूरा का पूरा अंदर से दिखाने वाले हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो ये यहाँ से कुछ इस प्रकार बंद होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसा बंद होता है, ठीक है। और सबसे पहले शुरुआत होती है खोलने की, यहाँ से ये दो लॉक लगे हुए होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ये पुराना मॉडल है तो यहाँ पर दो लॉक है, अगर नया मॉडल होगा या आज के टाइम का तो यहाँ पर एक लॉक होगा, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, ये खुल गया ऐसे, और यहाँ से हवा भरी जाती है, तो ये आवाज़, ठीक है। तो ये तो था हवा भरने का प्रोसेस, और यहाँ से आवाज़ कैसे आती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हवा भरने के बाद में यहाँ पर ये आवाज़ कैसे करता है, तो इसके लिए ये जो बटन देख रहे हो मैंने निकाल रखे हैं, सबसे पहले इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको नहीं निकालेंगे तो ये आवाज़ नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ से निकाल दिया है और फिर यहाँ से हवा भरी जाती है, ठीक है, ये आवाज़ कर रहा है। और ये आवाज़ क्यों कर रहा है, इसके लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा, अंदर से जाने के लिए इसको यहाँ पर खोलना पड़ेगा, और खोलने के लिए यहाँ पर ये दो बटन लगे हुए थे, लेकिन ये पुराना मॉडल है, एक बार और बोल दे रहा हूँ, और नए मॉडल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसको खोलने के बाद में ऐसे ऊपर किया जाता है, ऊपर करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। और अभी मैंने ये बताया इसको खींचते हैं, क्यों खींचते हैं ये अंदर से बता रहा हूँ। तो खींचने पर ये देखो यहाँ पर ये छिद्र लगे हुए हैं, बंद करने पर ये छिद्र बंद हो जाते हैं, ये देखो ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, और ये भी बंद हो गया। तो ये बंद होंगे तो यहाँ से हवा निकलेगी नहीं, ये जो हवा भर रही है यहाँ से आ रही है, देखो यहाँ पर हवा भरने के बाद में इस पर्दे से निकल रही है, ठीक है। इस पर्दे से निकलने के बाद में इस छिद्र के अंदर जाती है, इस छिद्र के अंदर जाने के बाद में नीचे से होकर ये जो छिद्र हैं इनमें से आती है, ठीक है। तो इनमें से अभी बंद है तो आवाज़ आएगी नहीं, तो इसको निकालते हैं बाहर, खींचने पर ये खुल जाते हैं, और खुलने के बाद में यहाँ से हवा भरकर यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर निकलने के बाद में सीधा का सीधा यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। क्योंकि हवा इस बॉक्स के अंदर से जाकर यहाँ पर निकलती है, तो यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा बंद रहता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है पट्टियाँ हैं इसके ऊपर एकदम पैक हो जाती हैं, पैक होने के बाद में यहाँ से निकलती है, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा हवा से भरा रहता है, और ये जो हवा है यहाँ से बाहर निकलती है। ये जो पट्टियाँ देख रहे हो ये सभी के सभी स्वर हैं यहाँ की, यानी कि इसके अंदर ये वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के कारण यहाँ से ये ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। ध्वनि उत्पन्न ऐसे नहीं होती है, जब यहाँ से एयर बाहर निकलती है तब ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट कराने के लिए इसको वापस बंद करते हैं या और यहाँ से बंद करते हैं, और बंद करने के बाद में जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये हर जो जितनी भी आप पत्तियाँ देख रहे हो हर पत्ती के ऊपर ये बटन लगे हुए हैं, और इस बटन को मैं बाहर निकाल रहा हूँ कुछ एकदम सावधानी से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप घर पर ट्राई मत करना भाई, किसी का हारमोनियम ख़राब कर दोगे, ये एक ख़राब हारमोनियम है पहले से, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाती हैं, और ये अंदर देख सकते हैं ये पत्ती, ठीक है, ये अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये रहा है ना, ये पत्ती आवाज़ करने के बाद में यहाँ से हवा निकलती है, क्योंकि जब हम बटन को दबाते हैं तो ये जो है ना दबाने पर क्या है ना कुछ इस प्रकार यहाँ से ऊपर उठ जाती है, ये देखो फॉर्म लगी हुई है, इस छिद्र से ऊपर उठने के बाद में जब एयर बाहर निकलती है तो ये वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट होती है तो ये ध्वनि उत्पन्न करती है। अब देखो मैं कोई बटन नहीं दबा रहा हूँ फिर भी बज रही है ना, क्यों बज रही है, क्योंकि ये छिद्र खुला हुआ है, और इस छिद्र को वापस बंद कर दूँ तो, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, जो ये तार देख रहा हूँ ये स्प्रिंग का काम करता है, यानी कि इसको वापस रखते हैं, ठीक है, और इसको भी रखते हैं। अब देख लो आवाज़ नहीं आ रही है, अब देख लिया नहीं कि ये ख़राब है पहले से, तब ये हिले हुए हैं तब ये मतलब आवाज़ आ रही है, कम आ रही है, अगर इसको दबाएंगे आ रही है ना, देख लिया ना। तो ये तो था हारमोनियम के अंदर का राज, या कुछ भी समझो, कुछ जानकारी मिली है तो वीडियो को कर देना लाइक शेयर कमेंट, और हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।